बारिश के मौसम में अगर गरम गरम चाय के साथ कुछ मजेदार खाना हो तो जरूर ट्राई करें हमारी आज की रेसिपी जो है कैबेज मुठिया। कैबेज मुठिया बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए आटा, सूजी, बेसन, दही, सरसों, तिल, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया। सबसे पहले हम एक बाउल में पत्ता गोभी लेंगे और इसके साथ हम मिलाएंगे आटा, सूजी, बेसन, दही, स्वादानुसार नमक, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बेकिंग पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, और तेल। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक डो बना लेंगे। हमें यहाँ पानी डालने की जरूरत नहीं है, पत्ता गोभी में ऑलरेडी मॉइस्चर होता है जिससे हमारा डो बन जाएगा। हमारे मुठिया का डो बिल्कुल तैयार हो चुका है। फिलहाल ये थोड़ा स्टिकी है पर हमें ऐसा ही डो चाहिए। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इस डो को 3 सिलेंड्रिकल शेप्स में बांट लेंगे। अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। प्लेट में तेल लगाने के बाद तैयार मुठिया के डो को उस पे रख दें। अब हम एक पैन में पानी बॉईल कर लेंगे और एक स्टैंड रखकर उस पे मुठिया के प्लेट को ध्यान से प्लेस कर देंगे। मुठिया के डो को 15 मिनट तक इसी तरह पकाएं। चलिए अब डो को चेक कर लेते हैं। उसके लिए एक टूथपिक ले और डो में डाल कर देखें। टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, मतलब हमारा डो परफेक्टली कुक हो चुका है। तैयार डो को ठंडा करें और फिर उसे पीसेज में काट लें। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह कुक हुआ है। चलिए अब एक तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक पैन में तेल गरम करें और फिर उसमें डालें हींग, सरसों के दाने, तिल के दाने, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। सभी चीजों को मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक फ्राई करें। अब हम तैयार मुठिया को एक एक करके पैन में डाल देंगे। मुठिया को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें।
फाइनल टच के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालें और फिर आंच को बंद कर दें। हमारी मजेदार कैबेज मुठिया बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी और लाजवाब दिख रहे हैं। गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ धनिया डालें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें।